नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग दूसरों के सुझाव इतने मन के अंदर ले जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसके वजह से हमारा कैसे नुकसान होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यापारी था, उसने अगरबत्तियों की दुकान चालू की थी, बहुत प्रकार की अगरबत्तियाँ रखी थी, फिर दुकान बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन एक कस्टमर आ गया, उसने अगरबत्तियाँ ले लिए और फिर वो दुकानदार से बात करने लगा कि भाई साहब, कि आपके बाहर एक बोर्ड है, उधर आपने लिखा है यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। तो दुकानदार बोला, हाँ बराबर है, लेकिन भाई साहब इसमें एक विरोधाभास है। विरोधाभास ऐसा है कि अगरबत्तियाँ सुगंधित ही होती है ना, क्या दुर्गंधित होती है? फिर दुकानदार सोचने लग गया, बोलता है ये भाई साहब सही बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, उसमें सुगंधित ये जो शब्द है वो निकाल दिया। उसने क्या किया, सिर्फ लिखा यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गया, और एक कस्टमर आ गया और फिर उसने देखा कि यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है ऐसे आपने लिखा है। तो बोलते हाँ लिखा है। तो बोलते दुकान आपकी इधर है और अगरबत्ती आप इधर बेच रहे हो, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या है? तो इधर से आप यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है यही भी लिखते थे तो फिर लोगों को मालूम पड़ता था। फिर दुकानदार सोचने लग गया कि ये भाई साहब बराबर बोल रहे हैं। फिर उसने उधर वो बोर्ड में से यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है वो बोर्ड में से यहाँ निकाल दिया। अभी वो बोर्ड पे लिखा था अगरबत्तियाँ मिलती है। ऐसे कुछ दिनों के बाद और एक कस्टमर मिल आ गया और उसने उनको बता दिया कि भाई साहब ये दुकान अगरबत्तियों की है, ये तो दुकान मीन्स लोग देख रहे हैं, तो आपको उसमें अगरबत्तियाँ यहाँ मिलती है ऐसा क्यों आपने लिखा है? कि आप सिर्फ लिखो ना अगरबत्तियाँ, क्योंकि अगरबत्तियाँ यहाँ मिलती है, दुकान यहाँ पे है तो इधर ही मिलेगी ना, क्या और दूसरी जगह मिलेगी? फिर दुकानदार सोचने लग गया, वो तो ये भाई साहब बराबर बोल रहे हैं। फिर उसमें से उसने सिर्फ अगरबत्तियाँ यही बोर्ड रख दिया और बाकी का सब निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे ही हो गया और फिर और एक कस्टमर आ गया और बोलते हैं भाई साहब ये जो अपने दुकान में लोग आते हैं वो अगरबत्ती लेने के लिए आते हैं, तो फिर अगरबत्तियाँ लिखने की क्या ज़रूरत है? तो दुकानदार वापस सोचना चालू करते हैं, बोलते हैं यस बराबर है। फिर उसने दुकान के आगे जो बोर्ड था उसमें से पूरा का बोर्ड उसने क्या किया, निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गया कि उसका धंधा है वो कम हो गया, और कम होने के बाद वो थोड़ा सा चिंतित रहने लग गया। वो चिंता में ही बैठा था और सोच रहा था अभी कैसे करे। उसमें से उसका एक दोस्त आ गया और फिर वो विशेषज्ञ था मार्केटिंग में, बोला अच्छा हो गया तू आ गया, क्योंकि मैं तुझे याद कर रहा था, क्योंकि हमारा धंधा है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, पहले तो बहुत चल रहा था। फिर उसने आजू बाजू में देखा, जो दोस्त थे उसने सब जगह देखा, उसने दुकान में हर प्रकार के अगरबत्तियाँ है यह भी देखा, फिर उसका जो रेट्स है उसके बारे में देखा, तो सब कुछ अच्छा था। फिर उस थोड़ी देर के बाद उसने थोड़ा बाहर जाके देखा, तो बोलता है कि लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं? बॉस, इसके ये दुकान के आगे एक बोर्ड लिख दो, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, आपका धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से चलना चालू हो जाएगा। तो फिर दुकानदार को बोला कि जब मैंने चालू किया था दुकान तो यही बोर्ड था। फिर वो जब उसके दोस्त ने बोला कि अरे ये बोर्ड तो मैंने पहले दिन लगाया था, लेकिन उसके बाद बहुत कस्टमर आ गए और उन्होंने जो सुझाव दिया वो हिसाब से मैंने क्या किया, बोर्ड चेंज कर दिया, और ये बंदा तो इसमें विशेषज्ञ है। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखो कि एक तो अपने अंतर्मन की सुनो, नहीं तो विशेषज्ञ की सुनो। जो भी आके हम लोगों को अलग अलग सुझाव देते हैं, लेकिन जो सुझाव देता है वो उस विषय में माहिर है क्या नहीं, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अपने मन की बात सुनो, दूसरों की मन की बात मत सुनो। थैंक यू।